अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरीन और आप देख रहे हैं लाहौरी फूड सीक्रेट। आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो है कंडेंस मिल्क की रेसिपी, जो ज़्यादातर डिज़र्ट में यूज़ किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप बाज़ार जैसा कंडेंस मिल्क घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए ये हमारे पास हाफ लीटर दूध है, फुल क्रीम दूध है, ये पैन में डालेंगे। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे जब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है और दरमियान दरमियान में इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना चिपके। दूध को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से आपने इसको साइडों से भी साफ़ करते रहना है और इस तरह इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून, ये हमारे पास शुगर है, ये इसमें जाएगी और इसको मज़ीद हम पकने देंगे 7 से 8 मिनट। दूध को पकते हुए मज़ीद 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये हमारे पास नॉनस्टिक पैन है इसलिए इसमें हम दरमियान दरमियान में चम्मच चला रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे पैन में बना रहे हैं तो मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। इस तरीके से आपने इसकी साइडों को भी साफ़ करते रहना है। दूध को तकरीबन हमने 10 मिनट मज़ीद पकाया है, ये देखें ये इस कंडीशन में आ गया, कितना गाढ़ा हो चुका है। कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी है, फ्लेम को करेंगे ऑफ। यह ठंडा होके मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि घर में कंडेंस मिल्क तैयार करना कितना इजी है। इसको आप मुख्तलिफ डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।